हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी 4 लेयर रफल रेडी टू वियर साड़ी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को विजिट जरूर करिएगा। चैनल यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग हम बहुत ही ईजी वे में करने वाले हैं, तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस साड़ी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 8 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक का यूज़ किया है। ये सॉफ्ट जॉर्जेट फैब्रिक है। आप इस साड़ी को ऑर्गेंजा सिल्क जेमिजू जैसे फैब्रिक से भी बना सकते हैं। इस फैब्रिक का जो अर्ज है वो 43 इंच है। अगर आपको ब्लाउज भी सेम फैब्रिक से बनाना है तो आपको 9 मीटर फैब्रिक यूज़ करना होगा। लाइनिंग के लिए हमने यहाँ पर 3 मीटर रेयन फैब्रिक यूज़ किया है। आपको लाइनिंग के लिए क्रेप, सैंटून और साटिन जैसे फैब्रिक का ही यूज़ करना है। यहाँ पर मेरे मेन फैब्रिक से कलर मैच नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ पे रेयन फैब्रिक का यूज़ किया है। 3 मीटर फैब्रिक में से हमने 1/2 मीटर फैब्रिक ब्लाउज में यूज़ किया है। इस फैब्रिक का जो अर्ज है वो भी 43 इंच है। हम यहाँ पर साड़ी का जो टॉप पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को चौड़ाई में एक बार फोल्ड कर लिया है। अगर आपका फैब्रिक चौड़ाई में फोल्ड नहीं हो पाएगा आपके साइज़ के अकॉर्डिंग, तो आपको इसे लंबाई में फ़ोल्ड करना है। तो आपको फैब्रिक अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। तो जितना भी आपका हिप साइज है उसमें आपको 7 से 8 इंच फैब्रिक ऐड कर लेना है, और फिर उसके बाद फैब्रिक को वहाँ से फ़ोल्ड कर देना है। इस तरीके से हमें फैब्रिक को और फोल्ड में रख लेना है। सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ 1/2 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, जिससे कि हमारा फैब्रिक है वो सीधा हो जाए। अब उस लाइन से नीचे की तरफ हमें बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो जितना जितने भी इंच की आप इलास्टिक ऐड करेंगे उसमें 1/2 इंच ऐड करते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें वेस्ट से नी तक की लेंथ को मार्क करना है। तो सेकंड लाइन से हमें नीचे की तरफ घुटनों से 3 से 4 इंच ऊपर तक की लेंथ को मेज़र कर लेना है, और उसमें 1/2 इंच ऐड करते हुए मार्क। और आप इसे अपनी हाइट और चॉइस के अकॉर्डिंग जितना भी लेंथ रखना चाहते हैं उसमें 1/2 इंच ऐड करते हुए मार्क कर लेना है, और वहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी नी लाइन है। अब सेकंड लाइन से नीचे की तरफ हमें 8 इंच पर मार्क करना है। ये मार्किंग हम हिप लाइन ड्रॉ करने के लिए कर रहे हैं। अब हमें स्केल की हेल्प से हिप लाइन को ड्रॉ कर देना है। यहाँ पर हमने वेस्ट लाइन, हिप लाइन और नी लाइन को ड्रॉ कर दिया है। वेस्ट लाइन पर हमें अपने हिप साइज का 4th पार्ट करना है, और 1.5 इंच मार्जिन ऐड करते हुए मार्क कर देना है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग मार्जिन ऐड कर सकते हैं। हिप लाइन पर हमें हिप साइज में 2 इंच लोजिंग ऐड करते हुए उसका 4th पार्ट करना है, और मार्जिन ऐड करते हुए मार्किंग करनी है। नी लाइन पर हमें अपने नी राउंड का 4th पार्ट करना है, और उसमें मार्जिन ऐड करते हुए मार्किंग कर देनी है। अब हमें फिटिंग वाले पॉइंट से फिटिंग वाले पॉइंट को मिलाना है, और मार्जिन वाले पॉइंट से हमें मार्जिन वाले पॉइंट को मिलाते हुए मार्किंग को कंप्लीट कर लेना है। अब हमें मार्किंग के ऊपर से फैब्रिक को कट कर देना है। यहाँ पर हमने फैब्रिक को कट कर दिया है। हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब सिंपली हमें इसे मेन फैब्रिक पर रखते हुए मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। अब हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को एक साथ अटैच कर देना है फैब्रिक ग्लू या स्टिचिंग लगाकर। अब साड़ी का जो फ्लेयर पार्ट है जहाँ पर हमें रफल्स ऐड करनी है, अब हम उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 मीटर फैब्रिक को एक बार फोल्ड करके रख लिया है। फैब्रिक की जो फोल्डेड साइड है वो हमें अपनी तरफ रखना है। फोल्ड करने के बाद हमें इसके एक कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ना है और ट्रायंगल की शेप में फैब्रिक को रख लेना है। अब हमें साड़ी का जो टॉप पार्ट है उसे लेना है, और इसे हमें 4 फोल्ड में रखते हुए ही इसके नी राउंड के पास जितनी भी लेंथ है उसे मेज़र कर लेना है मार्जिन के साथ। जितना भी आपका आएगा उसे हमें लाइनिंग वाले फैब्रिक के एक कॉर्नर पर इस तरीके से रखते हुए 2 पॉइंट मार्क कर लेने। इसके बाद अब हमें कॉर्नर से उस पॉइंट की लेंथ को मेज़र करना है। तो जितना भी आपका लेंथ आएगा उसे हमें कॉर्नर से रखते हुए उतने ही लेंथ पर हमें राउंड में मार्क कर लेना है। यहाँ पर हमने
12.5 इंच पर मार्क किया। अब हमें नीचे का जो फ्लेयर पार्ट है उसकी लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। तो जितना भी आपको साड़ी का लेंथ रखना है उसमें से हमें टॉप पार्ट को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हमारे टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो 17 इंच है। तो मार्किंग से ऊपर की तरफ हमें इंची टेप को इस तरीके से रखते हुए माइनस कर देना है और साड़ी की टोटल लेंथ में हमें 1 इंच ऐड करते हुए मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 41 इंच पर मार्क कर लिया है। उसके बाद हमें ऊपर वाली मार्किंग से नीचे वाली मार्किंग की लेंथ को मेज़र कर लेना है। हमारे मेज़रमेंट में ये 24 इंच है। आपका जितना भी आएगा उसे ऊपर वाली मार्किंग से इस तरीके से राउंड में मार्क करते हुए पूरे फैब्रिक पर हमें मार्क कर लेना है। और हमारे साड़ी की जो टोटल लेंथ है वो 40 इंच है। इसके बाद अब हमें मार्किंग को अच्छे से डार्क कर लेना है। मार्किंग के बाद हमें मार्किंग के ऊपर से फैब्रिक को कट कर देना है। यहाँ पर हमने फैब्रिक को कट कर दिया है। हमारे नीचे फ्लेयर पार्ट की जो है कटिंग हो चुकी है। फ्लेयर पार्ट पर हमें रफल कितने इंच पर अटैच करनी है उसके लिए हमें इस पर मार्किंग करनी है। इसके लिए आपको साड़ी का जो घेर वाला पार्ट है उसकी लेंथ को डिवाइड करना है जितने रफल्स आप ऐड करना चाहते हैं उतने नंबर से। तो यहाँ पर हमारे नीचे घेर की जो लेंथ है वो 24 इंच है और यहाँ पर हम 4 रफल्स ऐड करना चाहते हैं। तो हम 24 को यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 इंच। और ऊपर से अब हमें 6 इंच पर इस तरीके से मार्क करना है। आपका जितना आएगा आपके साइज के अकॉर्डिंग आपको उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है। इस मार्किंग के ऊपर ही हमें अपनी रफल्स को स्टिच करना है। पूरे फैब्रिक को हमें 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है। अगर आप यहाँ पर 3 रफल्स ऐड करना चाहते हैं तो आप अपने प्लेयर पार्ट की जो लेंथ है उसे 3 से डिवाइड करेंगे और जितना भी आएगा उसे मार्क कर लेना है। अगर आपको 2 रफल्स ऐड करने हैं तो आपको 2 से डिवाइड करना है। और इसी मेथड का यूज़ करते हुए आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रफल्स ऐड कर सकते हैं और उसकी जो लेंथ है वो निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर 6 इंच पर मार्क करते हुए हाफ फैब्रिक पर मार्किंग कर लिए। इसी तरीके से आपको भी मार्किंग करनी है और ये मार्किंग हमें फैब्रिक के राइट साइड पर ही करना है। यहाँ पर हमने हाफ फैब्रिक पर मार्किंग कर दी है। बचे हुए हाफ फैब्रिक पर भी हमें इसी तरीके से 6 इंच पर मार्क कर लेना है। अब हम रफल्स की कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने यहाँ पे 4.5 मीटर फैब्रिक को फोर फोल्ड करके रख लिया है। फोर फोल्ड करने के बाद इसकी जो विथ है वो 45 इंच है। ये फैब्रिक की फोल्डेड साइड है और ये फैब्रिक की ओपन साइड है। फैब्रिक की फोल्डेड साइड से हमें मार्किंग करनी है। सबसे पहले तो हमें अपने लाइनिंग के फैब्रिक को ले लेना है जो हमारा फ्लेयर पार्ट है उसे, और उसे फोर फोल्ड करके रख लेना है। अब फोर फोल्ड किए हुए फैब्रिक को हमें फोल्डेड साइड के कॉर्नर पर रखना है इस तरीके से, और 2 पॉइंट हमें मार्क कर लेने। अब कॉर्नर से हमें उसकी पॉइंट को मेज़र कर लेना है। जितना भी आएगा हमें इस तरीके से कॉर्नर से मेजरिंग टेप को रखते हुए राउंड में मार्क कर लेना है। ये हम फर्स्ट लेयर की मार्किंग कर रहे हैं। अब हमें मार्किंग को अच्छे से डार्क कर लेना है। अब हमें मेन फैब्रिक की जो रफल्स की विथ है वो निकालनी है। तो लाइनिंग के ऊपर जो हमने रफल्स की विथ निकाली थी उसमें हमें 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए मेन फैब्रिक की रफल्स को मार्क करना है। यहाँ पर हमने 6 में 3 इंच ऐड करते हुए 9 इंच पर रफल्स की विथ के लिए मार्क किया है। अब ऊपर वाले मार्किंग से हमें मेजरिंग टेप को रखते हुए 9 इंच पर मार्क कर लेना है और पूरे फैब्रिक को हमें राउंड में इस तरीके से मार्क करके सारी मार्किंग को अच्छे से डार्क कर लेना है। ये हमारी फर्स्ट लेयर है। फर्स्ट लेयर की हमने मार्किंग कर दी है यहाँ पे। इसी तरीके से हमें सेकंड और थर्ड रफल्स में 3 इंच ऐड करते हुए मार्किंग कर लेनी है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड रफल्स को हमने 9 इंच पर मार्क किया। लास्ट की जो रफल है उसमें हमें 2 इंच ऐड करते हुए मार्किंग कर लेनी है वरना हमारी नीचे से लेंथ बढ़ जाएगी। अब हमें मार्किंग के ऊपर से फैब्रिक को कट कर देना है। यहाँ पर हमने फैब्रिक को कट कर दिया।
यहाँ पर हमने 4 रफल्स की कटिंग कर दी है। अब रफल्स के ऊपर हमें नंबर डाल देने हैं, 1, 2, 3, 4। अब हमें लाइनिंग वाले फैब्रिक को लेना है और इसे ओपन कर लेना है। और हमें अब अपनी फर्स्ट लेयर को लेना है। फैब्रिक प्रिंट को निकालते हुए सबसे पहले हमें इसके दोनों पार्ट्स को स्टिच करके जॉइन कर लेना है। जॉइन करने के बाद हमें इसकी एक की साइड से ऊपर की तरफ पूरे ही राउंड में इसे स्टिच कर लेना है। थोड़े थोड़े दूर पर हमें छोटे छोटे प्लेट्स बना के स्टिच कर लेना है। अब हमें अपनी सेकंड लेयर को लेना है और इसके दोनों पार्ट को स्टिच करके जॉइन कर लेना है। इसके बाद हमें फैब्रिक को लाइनिंग के ऊपर उल्टा रखते हुए छोटे छोटे प्लेट्स बनानी है 1-1 इंच के गैप पर, और इस तरीके से हमें पलट देना है। यहाँ पर हमने फर्स्ट और सेकंड लेयर को स्टिच कर लिया है। फर्स्ट लेयर में हमने 2-2 इंच पर प्लेट्स बनाते हुए अटैच किया है और सेकंड लेयर को हमने यहाँ पर 1-1 इंच पर छोटे छोटे प्लेट्स बनाते हुए इसे स्टिच कर दिया। और फिर उसके बाद हमें इसे इस तरीके से पलट देना है। नीचे की दो लेयर्स को भी हमें लाइनिंग के ऊपर स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हमने सारी ही रफल्स को लाइनिंग के फैब्रिक पर स्टिच कर दिया। सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेयर को हमें उल्टा रख के प्लेट्स बनानी और स्टिच करना है। लाइनिंग के बॉटम को हमें डबल फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में स्टिच कर लेना है। अब हम साड़ी का जो टॉप पार्ट है उसे रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को चारों तरफ से फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लिया है। अब हमें एक पार्ट पर दूसरे पार्ट को रखना है और दोनों के राइट साइड को हमें एक दूसरे पर रखते हुए फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेना है। अब हमें अपने राइट हैंड साइड की जो साइड मार्किंग है वहाँ पर स्टिचिंग नहीं लगानी है और अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट की तरफ हमें स्टिचिंग लगानी है। यहाँ पर हमने फैब्रिक को स्टिच कर लिया है। अब हमें फैब्रिक को ओपन करना है और जो ऊपर की तरफ हमें बेल्ट फोल्ड करने के लिए फैब्रिक छोड़ा है उसे इस तरीके से 1/2 इंच फोल्ड करते हुए पूरे फैब्रिक पे बेल्ट को फोल्ड कर लेना है और मार्जिन वाले फैब्रिक को हमें दोनों तरफ करते हुए फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने बेल्ट को फोल्ड कर लिया है। अब हमें फैब्रिक को ओपन कर लेना है और इसकी राइट साइड जो है फैब्रिक की उसे हमें ऊपर की तरफ रखना है और अपने राइट हैंड साइड की तरफ हमें पल्लू को स्टिच करना है। पल्लू बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो विथ है वो 48 इंच है। साड़ी के पल्लू की जो विथ हमने रखी है वो फैब्रिक की विथ जितनी थी उतनी ही रखी है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसको कम भी कर सकते हैं। फैब्रिक की जो दोनों किनारियां हैं उसे हमने बारीक फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। अब हमें बेल्ट से नीचे की तरफ 2 इंच पर मार्क करना है और उस मार्क से नीचे की तरफ हमें 5 इंच पर मार्क करना है। इन दोनों मार्किंग के बीच में ही हमें पल्लू को सेट करना है। ऊपर वाली मार्किंग पे हमें इस तरीके से पल्लू को एक साइड को रखते हुए 2-2 इंच की प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स हमें ज़्यादा छोटी और ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी। इस तरीके से हमें सारे प्लेट्स को अच्छे से सेट कर लेना है। और अब हमें इसके ऊपर एक स्टिचिंग लगा देनी है। स्टिचिंग लगाने के बाद अब हमें अपने फ्लेयर पार्ट को लेना है। फ्लेयर पार्ट को हमें टॉप पार्ट पर इस तरीके से पलटकर उल्टा रखना है और दोनों की राइट साइड को हमें अंदर की तरफ करते हुए इस तरीके से हमें छोटी छोटी प्लेट्स बनाते हुए इसे अटैच कर लेना है। फ्लेयर पार्ट हमारा राउंड में कट हुआ है, इस वजह से बाद में इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर हमने टॉप पार्ट के साथ फ्लेयर पार्ट को अटैच कर दिया। अब हमें इलास्टिक लेनी है, तो जितना भी आपका वेस्ट राउंड है
उतने लेंथ का इलास्टिक आपको कट कर लेना है और सेफ्टी पिन की हेल्प से बेल्ट के अंदर इसे हमें इंसर्ट कर देना है। यहाँ पर हमने इलास्टिक को इंसर्ट कर दिया और दोनों ही साइड्स को हमें फैब्रिक पिन लगाकर लॉक कर दिया। अब हमें साड़ी के पल्लू को बीच में करते हुए दोनों ही साइड की किनारियों को हमें अच्छे से मैच कर लेना है और जितना भी आपने मार्जिन लिया है दोनों किनारियों को मिलाते हुए उतना मार्जिन मार्क कर लेना है। मार्जिन मार्क करने के बाद हमें ऊपर से नीचे तक साइड की स्टिचिंग को लगा लेना है। यहाँ पर हमने साइड की स्टिचिंग लगा ली है। स्टिचिंग का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें रफल में पिको करवा लेना है। साड़ी के पल्लू में आप लेस लगा सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। पिको करवाने के बाद अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। आई होप आपको मेरा बताया हुआ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो और ये ड्रेस आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।